بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स. आप सब दोस्तों को YouTube चैनल ग्लोबल नॉलेज फैक्ट्री पर खुशामदीद कहते हैं. दोस्तों, पाकिस्तान नेवी सेलर्स, मरीन्स, नेवल पुलिस और ऑल वैकेंसीज के लिए आज की वीडियो का पार्ट टू है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट. जैसा कि पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, तो इनको आपने डिफरेंट ट्रिक्स आजमा कर इसको जल्दी सॉल्व करना होता है ताकि गिवन टाइम के अंदर आपने ये टारगेट अचीव करना है. आज की वीडियो शुरू करते हैं. पार्ट टू है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने. क्वेश्चन दिया गया है मार्च इज टू 31/3 एंड जून इज टू डैश. तो इसमें सबसे पहले आपने मार्च इज टू 31/3 को समझना है. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पे मार्च से मराद थर्ड मंथ है और मार्च जो है वो 31 डेज का होता है. तो जून की जहाँ तक बात करें तो जून आपको पता है कि 6 मंथ होता है और जून जो है ये 30 डेज का मायना होता है. तो आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है. गिवन ऑप्शन में आपने 30/6 ढूंढना है जो कि आपका ऑप्शन ई बनता है. तो आपका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन ई है. अगला सवाल है आपके सामने, व्हाट डिजिट इज मिसिंग इन द लास्ट नंबर. तो आपके सामने ये जो लास्ट नंबर दिया गया है इसमें आपने बताना है कि कौन सा डिजिट मिस है और किस लिहाज से मिस है. तो आपके सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, जो इक्वेशन दी गई है, 834/92 है. फिर आपके सामने दिया गया है 438/29 है, ये इक्वेशन है. तो इसमें आप चेक करें कि एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो चीज़ ये है कि आपने 4+3+1 ऐड किया तो 8 बना. यानी कि आप इसको जिस तरह मैंने एरो की डायरेक्शन लगाई है इस तरह आपने इसको ऐड करना है, 4, 3, 8, सही है. फिर आपका 2 और 9 है, तो आगे आकर यही डायरेक्शन इन्होंने चेंज कर दी है. अब इन्होंने इस तरह से इस चीज़ को लिख दिया है, 4 पहले आ गया, फिर 3, फिर 8 और नीचे 9, 2 की जगह 2, 9 लिख दिया. अब ये जो इक्वेशन है आपके सामने 236/4, 5 है. तो ये अगर आप इस तरह से इसको गिवन है, अब आप इसको रिवर्स करके लिखें दूसरी तरफ, तो आपका आ जाएगा 6, 3 एंड देन 2 और नीचे भी उन्होंने रिवर्स किया है 4, 5 को 5, 4 किया है. तो आपका 2 जो है ये मिसिंग है. तो ये 2 इसमें आता तो आपका सीक्वेंस कंप्लीट था. तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर बनता है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, इन्फेंट, अडल्ट, चाइल्ड, न्यूबॉर्न एंड बेबी. तो इसमें से इन्फेंट, चाइल्ड, न्यूबॉर्न और बेबी जो है ये सेम मीनिंग्स में आते हैं, अडल्ट इसमें से डिफरेंट है. तो आपका डिफरेंट ही चूज करना था, आपने ऑप्शन बी इसमें से आएगा. राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है. फिर है क्वेश्चन नंबर 19, इफ सी आर ए टी ई इज टू ई एक्स सी आर ए टी ई देन क्यूट इज टू डैश. तो आपने सिंपल ई एक्स का इजाफा किया है गिवन वर्ड में, तो आपने क्यूट के साथ ई एक्स ऐड करना है. तो आपका ऑप्शन सी बनेगा, एक्स क्यूट, गिवन सीक्वेंस के हिसाब से. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. तो गिवन ऑप्शन में से डिफरेंट कौन सा है, सेपरेशन है, फिर स्प्लिट है, डिवाइड है और गैप है एंड देन यूनियन है. तो सेपरेशन अलग करना, स्प्लिट भी तकसीम करना, डिवाइड तकसीम, गैप ये भी तोड़ना, यूनियन इसमें से डिफरेंट है. यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, तो आपने यूनियन पे टिक करना है. ये आपका इंग्लिश वोकैब का क्वेश्चन है, इसके लिए आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी बेहतर आनी चाहिए, तो आपके लिए आसान होगा इस तरह का क्वेश्चन. आगे चलते हैं आपके सामने
कुछ फिगर्स दिए गए हैं एंड देन 24 है, फिर कुछ फिगर्स हैं देन 34 है और फिर कुछ फिगर है और पूछा गया कि यहां पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप देखें कि इन ऑल जो गिवन आपके सामने डिजिट्स हैं इनको अगर आप ऐड करते हैं, 8 + 4 = 12 + 3 = 15 + 9 = 24, तो ये सब अगर ऐड करें तो आपके सामने 24 बन रहा है। फिर आप नेक्स्ट 4 को ऐड करें, 10 + 13 = 23 + 8 + 3 = 31 + 3 = 34, तो ये आ गया 34। इसी तरह मिसिंग नंबर के लिए आपको ये सबको ऐड करना है, 10 + 19 = 29 + 10 = 39 + 3 = 42, तो आपका मिसिंग नंबर जो है ये बेसिकली 42 है जो आपने फाइंड करना था। तो आपका राइट आंसर जो है ये 42 आया। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग। तो आपके सामने 63 है, देन 3 है, देन 44, देन 0, देन 91 और फिर पूछा गया है कि अगला नंबर क्या आएगा। तो आपने इसको समझना है कि 6 - 3 इन्होंने किया तो 3 आया है, यानी कि इसको सिंपल जो गिवन डिजिट है इसको माइनस कर दिया, 6 - 3 तो आपका इसमें इन्होंने 3 लगाया। फिर 4 - 4 ये आपका 0 आया। फिर 9 - 1 आप करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 8, तो इसमें ऑप्शन डी आपका आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 22 आपने सॉल्व किया, इसका ऑप्शन डी आया। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। आपके सामने इक्वेशंस दी गई हैं, 8 + 3 - 4 = g, देन 2 + 12 - 2 = l, तो 8 + 3 आपका बना 11, -4 आपका बना 7, यानी 11 में से 4 निकाले तो 7 बचा, तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो अल्फाबेटिकली ए बी सी में 7वां नंबर जी का है। फिर आपके सामने 12 + 2 - 2 है, तो 12 + 2 = 14 - 2 = 12 है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो ये आपका 11वें नंबर पे आया। इसी तरह W आपका आया। अब आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपने फाइंड आउट करना है, तो आपका है 13 + 1, ये हो गया 14, -10 करना है तो आपका 4 आएगा, तो A B C एंड D, D आपका इसमें आंसर आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली चौथे नंबर पर D आता है, A B C एंड D, ये इस तरह से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपने फाइंड करना है। आपके सामने ट्रायंगल दी गई हैं, रिवर्स में हैं और उसके साथ डिजिट्स लिखे हुए हैं और पूछा गया है कि अब इसका जो ऑप्शन है, जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा है। तो मिसिंग नंबर आपने इस जगह पर फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, 10 + 4 आपका हो जाएगा 14, 14 + 18 ये आपका हो जाएगा 32, ये ऑल डिजिट को आपने ऐड किया तो 32 किया और इसको रिवर्स करके लिख दिया, 32 आपका आंसर आया। तो आपने इसको इन्होंने डायग्राम के अंदर क्या करके लिखा है, 2 and 3। इसी तरह अगला नंबर आप देखें, 9 + 23 आप करें तो 32 + 7 = 39, तो ये आपका बनता है 39 और ट्रायंगल के अंदर आपने इसको उल्टा करके लिखना है 93, ठीक है, ये इसकी तरतीब है। अब मिसिंग नंबर की तरफ चलते हैं, तो आपका आंसर है 40 + 22 ये आया 62, 62 + 12 आपका आता है 74, तो आपने जिस तरह पीछे सीक्वेंस चलता हुआ आ रहा है यहां पे इसको रिवर्स करके लिख देना है, 4 पहले लिखना है और 7 बाद में, तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 47 है, तो इसमें ऑप्शन ई जो है आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25,
What number comes next in the following series? तो सबसे पहले आप देखें कि E है, E के बाद उन्होंने J लिखा है, फिर N और फिर Q. तो E के बाद आप देखें F, G, H, I, एक दो तीन चार, बीच में चार लेटर मिसिंग है और फिर J है. फिर J के बाद देखें K, L, M, थ्री नंबर मिस है, फिर N है, फिर आगे आपने लिखना है N, O, P. O, P बीच में है, यानी कि दो लेटर मिस है, फिर आपका O, थ्री. N के बाद N, O, P. फिर Q है, तो Q के बाद आपका एक नंबर मिस आना चाहिए, तो एक नंबर के बाद आपका आता है Q के बाद R और फिर S, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर है. नहीं, पहले चार लेटर मिस थे, फिर अगले में तीन लेटर मिस थे, फिर दो लेटर मिस थे और फिर एक लेटर मिस था, और आपका रिक्वायर्ड जो आंसर है इसमें वो S है, यानी कि ऑप्शन E. तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन इंक्लूडेड थे. उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके. इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.